bismillahir rahim now we have already uh, derived is curve and then monetary policy curve and then we looked at the factors that make a shift in these two curves so now we are in a position to derive aggregate demand curve so first of all i would like to explain what is meant by aggregate demand curve तो एग्रीगेट डिमेंड कर्व जो होता है वो रिलेशनशिप है याद रखें कव डायमेंशन में हम ड्रॉ करते हैं अब ये कौन से दो हैं इसके है एक साइड पे वर्टिकल एक्सिस इन्फ्लेशन रेट और जो हार्जोंटल एक्सिस एक्स एक्सेस कहते हैं उसके ऊपर एग्रीगेट आउटपुट होती है इसका मतलब ये है कि जो एग्रीगेट डिमांड कव है वो शो करता है इन्फ्लेशन रेट और एग्रीगेट आउटपुट के रिलेशनशिप को अब ये कोई भी अगर आप एक साइड पे इन्फ्लेशन रेट रख लें एक साइड पे आप एग्रीगेट आउटपुट रख लें और कोई सी भी लाइन लगा लें तो एग्रीगेट डिमांड कव हो जाएगा नहीं ये बात आपने याद रखनी है कि ये सिर्फ उन पॉइंट से मिलके बनता है जिन पे आयस और MPC का आपस में इक्विलिब्रियम हो जाता है मॉनिटरी पॉलिसी कर्व का यानी कि IS कर्व जो गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है और मॉनिटरी पॉलिसी कर्व जो सेंट्रल बैंक के इन्फ्लेशन के एंडोजिनस रिस्पांस को रिप्रेजेंट करता है जिस पॉइंट पे ये दोनों मिल जाते हैं उस पॉइंट से जो है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव होता है अब कैसे इसके लिए जरूरी है कि हम आयस कर्व की इक्वेशन भी अपने सामने रखें हम मॉनिट्री पॉलिसी कर्व जिस इक्वेशन से डिराइव हुआ है वो भी सामने रखें इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो एग्रीगेट डिमांड कर्व की इक्वेशन आ जाएगी या फिर मॉनिटरी पॉलिसी कर्व बना लें दूसरी तरफ आई एस कव बना लें उन दोनों को मिलाएं तो उन कर्व से भी एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव किया जा सकता है तो जब कर्व डिराइव करना हो तो उन दोनों कर्व से डिराइव करेंगे अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व की इक्वेशन डिराइव करनी हो तो वो आई एस और मॉनिट्री पॉलिसी कर्व की जो इक्वेशन है उन दोनों इक्वेशन से डिराइव होगा तो आईएस की इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है जो गुड्स मार्केट की इक्विलिब्रियम कंडीशन थी ये हमने डिटेल में पहले पढ़ी जिसके दो कम्पोनेंट थे वाई के सामने एक अटानोमस वाला और दूसरा इंटरेस्ट रेट इंड्यूस्ड बाकी हमने इसकी डिटेल पहले कवर कर ली है मॉनिटरी पॉलिसी कर्व जो है उसकी इक्वेशन है आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय इन्फ्लेशन रेट हमने इसको भी डिस्कस कर लिया इस वक्त हमने क्या करना है देखें बड़ी सीधी सी बात है अगर आप आईएस कर्व की इक्वेशन को गौर से देखें जो गुड्स मार्केट की कंडीशन है तो उसके अंदर एक वेरिएबल है आर और जो मॉनिटरी पॉलिसी कर्व का इक्वेशन है उसके लेफ्ट साइड पे भी आर लिखा हुआ है इसका मतलब है आर की मॉनिटरी पॉलिसी कर्व की इक्वेशन वाली वैल्यू या मॉनिटरी पॉलिसी रिएक्शन फंक्शन वाली जो वैल्यू है वो सबस्टिट्यूट हो सकती है आई एस की इक्वेशन में जब हमने वो सबस्टिट्यूट कर दी तो आर तो आई एस की खत्म हो जाएगा उसकी जगह क्या आ जाएगा इन्फ्लेशन रेट क्योंकि मॉनिटरी पॉलिसी कर्व के मुताबिक रियल इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट का फंक्शन है जब आर सबस्टिट्यूट हुआ तो इन्फ्लेशन रेट आ गया तो अगर आप लास्ट इक्वेशन पे फोकस करें तो एक तो फिर वही ऑटोनोमस कंपोनेंट है उसको जरा साइड पे कर लें जो दूसरा किसी वेरिएबल से डिटरमिन होने वाला कंपोनेंट है अगर आप उस पर गौर करें तो अब उस कंपोनेंट के अंदर रियल इंटरेस्ट रेट नहीं है बल्कि इन्फ्लेशन रेट है इसका मतलब है, ये इक्वेशन हमें टोटल आउटपुट और इन्फ्लेशन रेट का रिलेशनशिप बता रही है लेकिन ये रिलेशनशिप उस स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए बता रही है जहां गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है और जहां पे इन्फ्लेशन के सामने सेंट्रल बैंक का एंडोजिनस रिस्पॉन्स भी इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है तो इक्वेशन हमने डिराइव कर ली तो इक्वेशन डिराइव करने के साथ साथ अब हम देखते हैं कि अगर हम कर्व से डिराइव करना चाहें तो कैसे करेंगे तो कर् से ऐसे डिराइव होता है कि मैंने तीन कर्व आपके सामने ड्रॉ किए अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट साइड पे बेसिकली क्या ड्रॉ हुआ हुआ है ये मॉनेटरी पॉलिसी कर्व है जिसमें इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है इसमें तीन पॉइंट्स दिए गए हैं वन टू थ्री जो ये शो कर रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन रेट आई एन एफ वन हो तो सेंट्रल बैंक रियल इंटरेस्ट रेट आर वन सेट करेगा अगर मार्केट में इन्फ्लेशन रेट आई एन एफ टू हो जाए तो सेंट्रल बैंक रियल इंटरेस्ट रेट आर टू सेट करेगा एंड सो ऑन अब जैसे जैसे सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को देखते हुए इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जाएगा तो आपको पता है कि रियल इंटरेस्ट रेट गुड्स मार्केट के अंदर अपना रोल प्ले करता है और वो रोल क्या प्ले करता है कि सेंट्रल बैंक तो इन्फ्लेशन को देखते हुए इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा लेकिन गुड्स मार्केट में या रियल सेक्टर में यह होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का इफेक्ट क्या सामने आएगा अटोनोम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे नेट एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे और इवन ऑटोनोमस कंजम्पन एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे अब वो जो एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं वो आई एस कव के ऊपर पॉइंट्स में शो हो रहे हैं वन टू थ्री में आप देखते जाएं जितना जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है पॉइंट वन के मुकाबले में अगर टू पे देखें तो इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके आर वन से आर टू तो जो एग्रीगेट आउटपुट है वो कम हो चुकी है वाई थ्री से वाई टू तो जितना जितना आप ऊपर बढ़ाते जाएंगे इंटरेस्ट रेट उतना उतना आई एस का वो आपको यह बता रहा है कि टोटल आउटपुट कम होती जाएगी और उसकी रीजन मैं फिर बताऊं इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट और कंजम्पशन का कुछ पार्ट अब हम इन दोनों कव की इंफॉर्मेशन को तीसरे कव में इकट्ठा कर देते हैं अगर आप गौर करें तो पॉइंट वन टू थ्री से जो लेफ्ट वाला कव है उसमें इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन है अगर हम उसमें से वन टू थ्री के सामने से इन्फ्लेशन वाले जो वेरिएबल की वैल्यूज हैं वो पिक कर लें और जो दूसरे कव में उन्हीं इंटरेस्ट रेट के सामने आउटपुट की वैल्यूज हैं तो दूसरे कव से हम आउटपुट की वैल्यूज पिक कर दें और तीसरे ग्राफ में इन्फ्लेशन की उन वैल्यूज को जो पहले ग्राफ से पिक किया और आउटपुट की उन वैल्यूज को जो दूसरे ग्राफ से पिक किया इन दोनों को अगर हम तीसरे जो ग्राफ है उसके अंदर आपस में कंबाइन कर दें यानी कि इन्फ्लेशन की तीन वैल्यूज आई एन एफ वन टू थ्री उनको आउटपुट की तीन वैल्यूज वाई वन वाई टू वाई थ्री से मिला लें तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप किस नेचर का है तो रिलेशनशिप एग्रीगेट डिमांड सूरत में भी नेगेटिव है और नेगेटिव का मतलब यह है कि जितना इन्फ्लेशन रेट कम होगा उतना ही जो एग्रीगेट डिमांड है या टोटल आउटपुट है वो ज्यादा होती जाएगी यह मतलब है एग्रीगेट डिमांड के नेगेटिवली स्लोप्ड होने का थैंक यू